आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त किया। सन 1968 से लेकर के जिस मांग को लेकर के हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के लोग मांग कर रहे थे, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में संपन्न हुई, उसमें मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है वो इस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आज तक भी लिए गए हैं। उसी कड़ी में हाटी समुदाय की मांग को पूरा करना जो है वो वास्तव में जो है वो एक अन्याय जो इस क्षेत्र के इस समुदाय के लोगों के साथ किया गया था, उस अन्याय को जो है वो समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण न्याय जो है वो किया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक और जो टेम्परेरी पुलिस पोस्ट है भरोल मंडी जिला में, उसे पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है 8 पदों के साथ। मंडी जिला के ही पंडोह में पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया है, इसमें भी 8 पद सृजित किए गए हैं। और शिमला जिला जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी की थी, जो पंचायत चौकीदार हैं जिनकी 12 वर्ष की जो है वो काम करते हुए पार्ट टाइम काम करते हुए नौकरी हो गई है, उनकी सेवाओं को डेली वेजिस में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जो आगे रेगुलराइजेशन की दिशा में बढ़ने का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूरे प्रदेश के 12 के 12 जिलों में पुस्तकालय जो है वो वहां पर जो जिला पुस्तकालय है वो भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से जो है वो जाने जाएंगे और उनका नामकरण होगा। देश की जो SMC पॉलिसी है, स्कूल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें भी परिवर्तन किया है। पॉलिसी के क्लॉज 10 जो है उसको
समाप्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और क्लॉज 9 में जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है उसमें जोड़ा गया है, और मंत्रिमंडल ने जो है उनकी जो नौकरियां हैं जो वो काम कर रहे हैं उसे सुरक्षित रखने की दिशा में जो है वो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ उनको जो है वो जो बाकी एम्प्लॉयज का होता है 1 कैजुअली पर मंथ, वो उनको छुट्टियां भी मंजूर की गई हैं, और साथ ही साथ जो है वो मैटरनिटी लीव जो बाकी एम्प्लॉयज को दी जाती है उसे भी मंजूरी प्रदान की है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से जहां हिमाचल प्रदेश के हार्ड और ट्राइबल एरियाज में विशेष रूप से काम करने वाले हमारे एसएमसी के अध्यापक हैं उनको लाभ ही नहीं होगा वरन सुरक्षा भी उनको जो है प्राप्त होगी, और आगे जो है वो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, इस बात की ओर जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम जो है आज प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है।